नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, पीरियड मिस होते ही महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि क्या मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सारे लक्षण बताने वाली हूँ जो पीरियड मिस होने से पहले आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। कुल 8 से 9 लक्षण ऐसे होते हैं जो पीरियड मिस होने के 1 या 2 वीक पहले ही आपको महसूस होने लगते हैं, और ये सारे ही लक्षण आपकी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म करती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद साबित हो सकती है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि आपका ओवुलेशन के समय फर्टिलाइजेशन 1 का हो जाता है, वैसे ही सबसे पहला बदलाव होता है आपके ब्रेस्ट के अंदर। आपके ब्रेस्ट के टिश्यू काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इसके 2 कारण होते हैं। एक हार्मोन होता है मिलानोसाइटिस, ये बढ़ जाता है, और दूसरी कि आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, और ये आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही होने लगता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में काफ़ी हैवीनेस फील हो सकता है, क्योंकि इसकी टिश्यू अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और मिल्क बनाने लगती हैं। दूसरा कि आपके निपल के आसपास, जिसे कि हम एलियोरा कहते हैं, तो इसके कलर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है, यानी निपल का रंग आपका गाढ़े भूरे रंग का होने लगता है। जो थर्ड बदलाव है, उसमें काफी ज्यादा आपको यूरिन लगने की समस्या हो सकती है, पेशाब जाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्टिलाइजेशन संभवतः सफल होता है, वैसे ही बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है, क्योंकि अब आपके यूट्रस तक ब्लड का फ्लो काफी तेजी से पहुंचाने की जरूरत होती है एक भ्रूण के विकास के लिए, जिसकी वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ता है पहले की तुलना में, और किडनी को भी अच्छे से प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है शरीर के अंदर वाटर का, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जैसा फील हो सकता है। और इसके पीछे दूसरा कारण ये होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है, तो इम्प्लांटेशन के दौरान यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होती है, जिसकी वजह से यूट्रस का आकार बढ़ने लगता है, और इसके जस्ट नीचे होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हल्का फुल्का भी बड़ा होता है तो आपको प्रेशर जैसा महसूस हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का बहुत ही आम लक्षण है। और इस दौरान आपको प्रेगनेंसी में जब भी अर्लियर स्टेज में ऐसा फील होने लगे, तो यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना है, आपको जितनी बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है, उतनी बार आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स है, उसमें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को हेडेक होने लगती है, बिकॉज जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी इस चीज़ को सडन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उस दौरान आपको हेडेक होना काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक बात है, और बहुत सारी महिलाओं को हेडेक तो रहता है, बट ये नॉर्मल तरीके से नेचुरली कम भी हो जाता है जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी के दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा पेट में काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाना, और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाना, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं, तब आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका कार्य स्लो हो जाता है, यानी अब आप कुछ भी पहले जैसे खा रही थी, वो आपको पचाने में दिक्कत हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकती है, और गैस ऐसा हमेशा पेट फूला फूला सा फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला लक्षण है बहुत ज्यादा चक्कर आना, मॉर्निंग सिकनेस का अनुभव करना, या फिर बहुत ज्यादा उल्टियां होना, या उल्टियां जैसा महसूस करना। ये बहुत ही आम और कॉमन लक्षण है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अगर उल्टियां आ रही हैं तो स्वाभाविक रूप से वो माँ बनने वाली है, तो ऐसा हमारा बॉडी इसलिए हो जाता है बिकॉज जो मैंने पहले बताया आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, इसलिए हमारा बॉडी रिएक्ट करता है इस तरीके से, और हो सकता है पर्टिकुलर इस समय आपको कोई फूड की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, या फिर क्रेविंग बिल्कुल कम हो जाती है, आप खाना कम खाने लगोगे, ऐसा भी हो सकता है। अगला लक्षण है कि सुबह उठते से ही आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में कमर के पास बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय बढ़ रहा है, और बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके पीठ की हड्डियों पर प्रेशर देता है, जिसकी वजह से दर्द हो जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही आम लक्षण है, जो शुरुआती के कुछ दिनों में आपको बेहद परेशान भी कर सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठती हैं, उस समय हो सकता है कि आपको चटपटा, तीखा, मसालेदार खाने का मन करे, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके स्वाद में बदलाव आ जाता है, आपके जवान पे एक लेयर आ जाती है प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से आपको टेस्ट नहीं महसूस होता है, और एक मेटालिक सा टेस्ट आपके
टंग का यानी आपके जीव का हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वाद कभी कभार फीका भी महसूस हो सकता है कई खानों का। तो ऐसी कंडीशन में आपको खट्टा खाने का बेहद ज़्यादा मन करने लगता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपको क्रेविंग होती है, बहुत सारी पर्टिकुलर ऐसी फूड होती है जो पहले आप नहीं खाती थी, या फिर सडन आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, तो ये भी प्रेगनेंसी से रिलेट करता हुआ ही लक्षण होता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, फीवर जैसा फील होना, छोटे मोटे काम करके भी बहुत ज़्यादा आपको थकान होना, और साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा दम फूलना यानी सीढ़ियों का यूज़ करते हुए, काम करते हुए सांस लेने में दिक्कत होना, तो ऐसा भी स्वाभाविक रूप से प्रेगनेंसी के प्रथम लक्षणों में से देखा जाता है, प्रारंभिक चरणों में होता है। और ऐसे कुछ बदलाव अगर आपको पीरियड्स डेट मिस होने के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म करने के लिए पीरियड मिस होने तक का इंतजार करिए, और इसे 100% पुख्ता करने के लिए आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर जरूर कर लीजिए। आइडियली होप कि अब आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट करना है, और अगर कोई भी मन में शंका या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपने रखिए पूरा ध्यान। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।